सभी दाव दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। विकास कार्यों का उद्घाटन तो हो चुका है पर धरातल पर सभी विकास कार्य सिर्फ रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत राजपुरा एवं गड्ढा के बीच एड़ू नदी की पुलिया के निर्माण हेतु विधानसभा चुनाव से पूर्व बंदी विधायक अशोक डोगरा द्वारा 4 अक्टूबर 2018 को एड़ू नदी पर पुलिया निर्माण कार्य के लिए 99 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गयी थी। पुलिया का निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 तक पूरा करना था पर ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते अब तक पुलिया का निर्माण कार्य नहीं हो सका, जिस वजह से पुलिया में जो बड़ा गड्ढा हो रखा है जिसे लगातार बारिश के पानी का भराव होता रहता है जिसके कारण कभी भी वहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। इस ओर सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है। काली सिंध थर्मल पावर की 600 मेगावाट की 2 यूनिट है जो आए दिन कुछ न कुछ तकनीकी खराबी के कारण खराब होती रहती है। कभी ट्यूब लीकेज होती है तो कभी लोड डिस्पैच के नाम से भी बंद करवा दी जाती है। आजकल ये दोनों यूनिट फिर बंद पड़ी है, फिर भी कोयले की खपत जारी है। रोजाना 2 से 4 रेक कोयले की गाड़ी आ रही है और कोल यार्ड का स्टॉक फुल हो गया है। अब कोयले रखने की जगह नहीं बची है, 2 लाख टन कोयला एकत्रित हो चुका है। यदि दोनों इकाइयां फुल लोड पर चले तो भी 13,000 टन प्रतिदिन कोयला खपेगा। ऐसे में 17 दिन का कोयला स्टॉक में है। ये लगातार कोयला आने से सरकार को करोड़ों की चपत लग सकती है। प्रतापगढ़ में एक ठगी का मामला सामने आया है जिसमें एक शातिर महिला ने 2 युवकों के साथ मिलकर फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर को फंसाने की धमकी देकर करीब 20,000 रूपए की ठगी कर ली। इस मामले को लेकर फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर श्याम सिंह लखावत कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच शुरू कर दी है। जाँच में पुलिस ने एक महिला सहित 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। श्याम सिंह लखावत कल थाने पर उपस्थित एक रिपोर्ट दी कि मेरे साथ एक महिला और 2 पुरुषों द्वारा धोखाधड़ी कर मुझे धोखे में झांसा देके मुझे एक अज्ञात जगह बुलाकर मेरे साथ मारपीट की और मुझे बलात्कार में अन्य मुकदमों में झूठा फंसाने की धमकी देकर मेरे से रुपयों की मांग की और मेरे से 20,000 रुपये भी ले लिए और रुपयों की मांग कर रहे हैं वगैरह रिपोर्ट पर हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज कर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाने से टीम गठित की। टीम गठित कर मुलजिमान रफीक सलीम शेख और माया कंवर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। इनके द्वारा जो इससे रुपए वसूले एवं जो लिखा पढ़ी करा के इसको धमकी दी गई उस संबंध में अनुसंधान जारी। सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम समाज का युवा हाथों में तख्तियां लेकर मौन है और साथ ही मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं और पुलिस अधिकारियों द्वारा मुहर्रम को ठंडे सुपुर्द खाक नहीं करने दिया जा रहा है तो उन्होंने इसकी इजाजत दी जाए ताकि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार इनको कर्बला में ले जाकर इनको ठंडा किया जा सके। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में युवा मिनी सचिवालय पहुंचे और अपनी मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। विद्युत विभाग द्वारा किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं से मनमाने ढंग से बिजली बिल वसूल रही है। इसको लेकर संपूर्ण राजस्थान में एसडीएम कार्यालय व लालसोट नांगल राजा वतान कार्यालय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम समिति द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और सरकार से मांग की गई कि लॉकडाउन में कोरोना महामारी की मार झेल रहे किसानों का वीसीआर की आड़ में शोषण बंद करे। वे बिना रीडिंग के बिल भेजना, तारों को ढीला छोड़ने से लगातार करंट से लोगों की मृत्यु होना, इन सभी समस्याओं को लेकर दौसा जिले के प्रदेश प्रवक्ता रूप कमलेश मीणा, संगठन मंत्री अशोक कुमार मीणा, लालसोट उपाध्यक्ष रमेश चंद्र कुमार, पिंटू शर्मा, महेंद्र गोम लाडू, ब्लॉक मीडिया प्रभारी राम किशोर, आदिवासी सुरजीत गोमल लाडू नांगल, राजा वातन अध्यक्ष डॉक्टर प्रभु नारायण मीणा आदि ने राष्ट्रीय सामाजिक समस्या संगठन समिति द्वारा पिछली बात की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। खबर झालावाड़ से जहां सचिन पायलट के जन्म दिवस को ऐतिहासिक बनाने को लेकर तैयारियां जोरों पर है। झालावाड़ के कांग्रेस नेता शैलेंद्र यादव उर्फ कालू भैया द्वारा इस मौके पर 7 सितंबर को झालावाड़ के खंडिया के पास विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं शिविर की जानकारी लोगों तक पहुंचाने को लेकर सचिन पायलट ने पोस्टर का विमोचन भी किया है और शैलेंद्र यादव से जिले के हालचाल जाने, साथ ही कोरोना खत्म होने पर झालावाड़ दौरे पर आने की बात भी कही।
बस्ती कस्बे के बेनाड़ा गांव के एमएस मैजिक एंड सोशल एकेडमी संस्थान के संरक्षक अंतर्राष्ट्रीय जादूगर एस कुमार शर्मा सचिव व जूनियर एस कुमार राहुल शर्मा व पूर्व जिला पार्षद बेनी प्रसाद कटारिया व अध्यक्ष सियाराम शर्मा के द्वारा बस्ती एसएसपी सुरेश सांगला को प्रतीक चिन्ह व स्मृति चिन्ह देकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान से सम्मानित किया गया। वही इस मौके पर बस्ती एएसपी सुरेश तांका ने लोगों को कोरोना महामारी से बच के रहने को लेकर भी दिशा निर्देश भी दिए। ट्विटर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन उसे वापस ठीक भी कर दिया गया है। हैक होने के पश्चात उनके अकाउंट से बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी संबंधित ट्वीट पोस्ट किए गए थे। ट्विटर ने प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट को टैग करते हुए जानकारी दी और इसे ठीक कर लिया है और आगे की जांच जारी है। बास्को कस्बे के सीएचसी के कोरोना टीम के द्वारा राजथोक टोल प्लाजा के 34 कर्मचारियों की रैंडम सैंपलिंग ली गई। इनकी सैंपलिंग लेकर जांच को सैंपल के लिए जयपुर भिजवाया गया। वहीं इस मामले को लेकर बास्को सीएचसी के चिकित्सक प्रभारी कमलेश कुमार सैनी ने जानकारी दी। आपको बता दें, इस दौरान बस्ती क्षेत्र के राजथोक टोल प्लाजा के 34 कर्मचारियों की रैंडम सैंपलिंग ली गई और उन्हें कोविड-19 के बचाव के बारे में भी जागरूक किया गया। पंचायत नगर मोडरा के एक सेना के जवान जो देश की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होकर घर लौटा, जिसके घर लौटने पर ग्रामीण पंच पटेलों ने भारत माता के सपूत के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। इस अवसर पर आसपास के गांव के पंच पटेल भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य हिस्सों में भी जवान दिलीप सिंह ने रक्षा का मोर्चा संभाल चुके हैं। 30 साल तक देश की सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होकर वे पैतृक गांव लौटने पर ग्रामीण पंच पटेलों ने साहो माला पहनाकर भारत माता के लाडले का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जवान ने गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती होकर देश सेवा पर रक्षा करने की अपील की है। खबर बास्को कस्बे से, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक गाय घायल हो गई। घायल होने से गाय का पैर फ्रैक्चर हो गया। मामले की सूचना मिलने पर चिकित्सा कर्मचारी शीतल मलमीना ने जगह पर पहुंचकर गाय का इलाज किया। साथ ही साथ गाय की देखरेख के लिए गाय को हिंगोनिया गौशाला में भिजवा दिया गया, ताकि गाय जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। ओसिया क्षेत्र में कस्बे के जाट छात्रावास में बुधवार को किसान आंदोलन में दिवंगत हुए युवा छात्र नेता किसान बुकरा चौधरी को छात्रावास में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पूर्व सांसदीय सचिव भैराराम सियोल ने युवा नेता के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुखराज अपनी छोटी सी उम्र में हमें किसान हितों के लिए अपनी लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी है, तो पुखराज का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दौरान उपस्थित लोगों के नम आंखों से छात्र नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पूर्व विधायक भैराराम सियोल, पूरा जाट समाज के पूर्व अध्यक्ष हरीश डोगियाल सहित कई लोग मौजूद रहे। बस्ती में प्रांजल एकेडमी स्कूल में स्कूल शिक्षा परिवार कार्यकारिणी का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी का जयपुर से निकलते ही पेट्रोल पंप पर माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। प्रेमनगर, बरनाला, कानोता स्टैंड, बेनाड़ा स्टैंड, बस्ती चक, सारना, तिराहा, बस्ती खादी ग्राम उद्योग के सामने बस्ती चक बस्ती ब्लॉक के स्कूल शिक्षा परिवार के संचालकों ने प्रदेश अध्यक्ष व कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम स्थल तक गाजे बाजे तक ले जाया गया। साथ ही इस अभिनंदन समारोह के निजी विद्यालय के संचालकों की कोरोना काल में आ रही समस्या पर जन सुनवाई का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान बस्ती तहसील के लगभग 150 विद्यालय संचालक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके बाद जिला ग्रामीण पर प्रभारी जितेंद्र शास्त्री, तुंगा ब्लॉक अध्यक्ष महेश बटवाल, संभालिया ब्लॉक अध्यक्ष संजय शर्मा, बास्को ब्लॉक अध्यक्ष जेपी शर्मा, प्रदेश सचिव छोटे लाल मीणा, दिनेश पंचोली, बेनाड़ा राजेश शर्मा, कानूरा मीणा, राजन शर्मा, सुरेश शर्मा, कैलाश मिश्रा व समस्त संचालक उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया कर्मी योगेश कुमार गुप्ता व विनोद कुमार शर्मा का माला पहनाकर साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। सर, आज जो यहाँ प्रांजल एकेडमी बस्ती में जो स्कूल शिक्षा परिवार की जो मीटिंग की गई, वो किस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ पर मीटिंग की, उसके बारे में? कोविड-19 के तहत जो प्रॉब्लम चल रही है उनको लेकर हमने जन सुनवाई कार्यक्रम है, बेसिकली मीटिंग नहीं होगी, जन सुनवाई कार्यक्रम है, जहाँ हम ऑनलाइन एजुकेशन को गाँव के बच्चे तक कैसे पहुँचाएँ, टीचर्स का रोजगार कैसे बचाएँ, और 21 सितंबर से जो स्कूल खुलने वाले हैं उनको लेकर क्या क्या सावधानी बरतें, उसके बारे में चर्चा हुई। सर, और भी कोई समस्या जैसे कोविड-19 के बारे में, जैसे स्कूल शिक्षा के बारे में कई तरह की समस्या आई, उसके बारे में आप कहेंगे? देखिए, बेसिक समस्या तो यह है कि इस वक्त फीस नहीं आ रही है, तो पेरेंट्स से भी हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस दर्द को समझे कि जो टीचर बच्चों को शिक्षा दे रहा है, अगर उसको वेतन नहीं देंगे तो वो चलेगा कैसे, कब तक चलेगा आखिर?
तो ऑनलाइन उनके अगर कोई तकलीफ है तो स्कूल मैनेजमेंट से आकर संपर्क करें, तो फीस जमा कराए, यही मेरी बेसिक अपील रहेगी पेरेंट्स से। तो आपका शुभ नाम? अनिल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ओसिया और फलौदी का किया दौरा, जहां पर उन्होंने शोक सभाओं में भी शिरकत की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने रास्ते में कई जगह पर प्रदेश अध्यक्ष पूनिया का स्वागत किया। ओसिया पहुंचने के बाद सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रीय शोक के कारण उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्वागत के लिए मना किया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं पौधारोपण करते हुए युवाओं को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात भी कही। इसके बाद पूर्णिया किसानों के धरने आंदोलन के दौरान तबीयत बिगड़ने से मृतक छात्र नेता व किसान बुकराज चौधरी के निवास स्थान मांडी आई गाँव पहुँच कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही मृतक के परिवार से भी मिलकर उन्हें संतावना भी दी। कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत जी की सरकार को 20 महीने हो गए, लोगों को ध्यान हो तो ये वही सरकार है जिसने ये कहा था और इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने एक सभा में कहा था कि 10 दिन होते ही हम किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। ये पहली झूठ थी। इन्हीं के जन घोषणा पत्र के पेज नंबर 17 में लिखा था कि बिजली के बारे में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कर्जे के कारण राजस्थान के अधिसंख्यक किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। इस क्षेत्र में भी जहां मैं खड़ा हूं 3 आत्महत्याएं लगातार हुई हैं। इसी तरीके से बिजली के मामले में राजस्थान के 1,40,00,000 उपभोक्ताओं को तो मार पड़ी है, लेकिन किसानों को जो पूर्ववर्ती सरकार 833 रुपये का अनुदान देती थी वो बंद कर दिया। फ्यूल चार्ज, सरचार्ज और स्थायी शुल्क के नाम पर 1,400 करोड़ रुपये का भार राजस्थान के उपभोक्ताओं पर डाला गया। कोरोना के कारण अब लोग बिल जमा। गोकुंदा उपखंड अधिकारी श्रीमती नीलम लाखरा की अध्यक्षता में आमजन की समस्याओं का समाधान एवं सुविधा के लिए ग्राम पंचायत विस्मा पंचायत समिति सायरा में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान सभी विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई एवं जन सुनवाई में प्राप्त शिकायत के आधार पर उनका निवारण किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र मामादेह से धमाणिया फला के 18 परिवार जो 2 किलोमीटर से अधिक दूर रहते हैं वहां के बच्चों को सुविधा हो सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र विस्मा से मिलाने लिए परियोजना अधिकारी बाल विकास विभाग को तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। जगह जगह गणेश को विसर्जित किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई गणेश चतुर्थी मानव धर्म उत्थान आश्रम आमेर जयपुर में गणेश जी की पूजा कर सदस्यों ने ढोल बाजे एवं जयकारों के साथ गणेश जी महाराज की मूर्ति को विसर्जित किया। इस मौके पर आश्रम के सभी सदस्यों ने धूमधाम से गणेश जी का विसर्जन किया। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे से एक दुर्घटना की खबर आई, जहां कुंडला रोड पर तेज गति से आ रही एक पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक श्याम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले की सूचना गंगाधर SHO संजय मीणा को मिली। सूचना मिलते ही घायल बाइक सवार श्याम सिंह को CHC चौमहला में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। वहां से फिलहाल श्याम सिंह को जिला चिकित्सालय झालावाड़ रेफर कर दिया गया है। रोटरी क्लब मेड़ता अमीरा के तत्वाधान में 6 सितंबर रविवार को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन चारभुजा धर्मशाला सोनी चौक में किया जा रहा है। इसी के तहत रोटरी क्लब कार्यालय सोनी चौक में शिविर के लिए पोस्टर का विमोचन भी किया गया। पोस्टर विमोचन जिला अध्यक्ष संध्या भाटी एवं रक्तदान शिविर सौंदर्यकर्ता और मिला द्वारा रोटरी सदस्यों के साथ किया गया। साथ ही आपको बता दें कि रक्त संचयन का कार्य जोधपुर के रोटरी ब्लड बैंक द्वारा किया जा रहा है और शिविर में सभी रक्तदाताओं को रोटरी द्वारा सर्टिफिकेट और गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया जाएगा। झालावाड़ जिले में तेज बारिश का कहर जारी है। लगातार बारिश होने के कारण बांध में पानी की आवक लगातार जारी है, जिस कारण कालीसिन डैम के 10 मीटर गेट खोलकर 44,001 सेकंड से पानी की निकासी की जा रही है। साथ ही साथ सभी नदियां भी उफान पर है। ऐसे हालातों को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदियों और डैमों के किनारे ना जाएं, वह खतरा बढ़ गया और सतर्क रहें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए आप लोग राजस्थान। नमस्कार।